देखिए पूरे देश भर में ये स्थिति है कि तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है, साथी बिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी एसपी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साथ चुनाव लड़ ले तो क्या इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान मंच पर जो मौजूद है उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सूरज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से मिर्जा शान आलम बेग साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीएसपी से शैलेंद्र कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सूरज जी सवाल आप ही से है, यूपी के दो लड़के एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, मन में कोई डर है तो नहीं कि कैसे कहीं दिक्कत ना हो जाए यूपी में? पहले तो एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों का महर्षि दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की इस पावन पुण्य भूमि पर स्वागत करता हूँ। और ये पहले भी इन लोगों का गठबंधन बोले तो ठगबंधन हो चुका है। 2017 के चुनाव में दोनों जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी और पूरे प्रदेश में केवल 21.82% वोट पाई थी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी और हम लोगों ने 40% वोटों के साथ मेरे यहाँ पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इनके जुड़ने से कोई हमारा नुकसान नहीं है, अब की बार 400 पार से कोई रोक नहीं पाएगा। इनके पास नेतृत्व नहीं है, हमारे पास मोदी जैसा बेदाग छवि वाला नेता है जो लगातार। आपके कहने का मतलब यह है कि ये फॉर्मूला जो फेल हो चुका है उस पर क्यों फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतना एतबार है, भरोसा है? देखिए फार्मूले कभी फेल नहीं होते हैं, फेल होते हैं नेता। और जिस तरह से प्रचार चल रहा है मोदी जी की गारंटी, आपने राहुल गांधी को फेल कह दिया कि अखिलेश यादव को किसे कह रहे हैं? आपने कहा फेल होते हैं नेता, तो अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी, क्या दोनों फेल थे? देखिए मैंने जो फेल कहा मैं मोदी की गारंटी को फेल कह रहा हूँ। जिस तरह से प्रचार चल रहा है मोदी की गारंटी, ये मोदी गारंटी नहीं बल्कि मोदी जी का जुमला है। आपने देखा होगा जो जो बातें मानी, अरे उस पे तो आप आइएगा, लेकिन पहले ये बताइए ना कि जो गठबंधन पहले भी हुआ यूपी के दो लड़के साथ आए थे सभी को याद है 2017, कुछ हुआ नहीं था, फिर दोनों नाराज होकर अलग भी हो गए थे, फिर से जो साथ आ रहे क्या वजह, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्या करिश्मा हो जाएगा इस बार? देखिए 2014 के पहले अगर आप परिदृश्य देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे गठबंधन किए और फेल होती गई। ये इनका दौर है, झूठ का दौर है, नफरत का दौर है और फरेब का दौर है। ये दौर जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, इस दौर का अंत जो है 2024 के आम चुनाव में हो जाएगा। इस बात का कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए हमारे इंडिया गठबंधन में यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ एक से ज्यादा चेहरे इनके पास दूल्हा ही नहीं बारात लेके चल रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारा विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने लगातार 10 साल तक काम किया, 22 करोड़ लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया। आज हमारी सरकार में 12 करोड़ शौचालय बना है, करोड़ों लोगों को उस पे आता हूँ लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी जो सवाल पूछ रहा था तो मैं कह रहा था यूपी के दो लड़के, लेकिन राहुल गांधी को आप कह सकते हैं हम यूपी के लड़के, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा अखिलेश, ये राहुल गांधी जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे, मगर मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी जी पहुँच रहे हैं। आप मणिपुर को देख लीजिए, जब मणिपुर कह रहा हूँ पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पहुँचना चाहिए, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं उसके बिल्कुल पहले वहाँ पर गठबंधन है या जो आपके इंडिया के लोग हैं वो बिछड़ जा रहे हैं, ये क्यों हो जाता है फिर? देखिए राहुल गांधी जी निरंतर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और लोग आम जनमानस बेरोजगार हो, किसान हो, नौजवान हो, परेशान हो, सारे लोग उनके सुर में सुर मिला के उनके साथ चल रहे हैं। अभी जो तो प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे इस बार, राहुल जी बने या देश में, हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस के नाते कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और जो उनका संघर्ष है, जो जिस तरीके से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इससे तो ये बात। तो कितनी सीटें मिलेंगी आप लोगों को प्रधानमंत्री बनने के लिए, सीटें भी तो चाहिए? इस बार हम लोग जो है पूरे बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएंगे। कुछ सोचा होगा ना आपने कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखिए हम बस दावे ये के साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इस देश, तो आप बता पाने की स्थिति में नहीं है कितनी सीटें मिलेंगी। बीएसपी का हालांकि यहाँ पर थोड़ा दबदबा है, एक लोकसभा सीट पर अभी आप हैं, इस बार क्या स्थिति है? इस बार हम लोग इस पूरे देश में 2024 आम चुनाव में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस देश की जनता। बहन जी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा? बता रहा हूँ आप सुनिए, माननीय बहन जी इस देश की जनता आपकी 24 के चुनाव में मोदी बनाम माया चुनाव होगा और हम लोग मोदी बनाम माया माँ बहन जी को प्रधानमंत्री, देश की जनता निगाह लगा के बैठी है, हम उतनी सीटें जीत के। आप लोगों के आत्मविश्वास को नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले सलाम, मैं अयोध्या में था, गोरखपुर में था, आज आजमगढ़ में हूँ, हर जगह जो बीएसपी के नेता आते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मन से यही कहते हैं कि मायावती जी इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सीटें जीतेंगे, लड़ेंगे तब तो जीतेंगे, लड़ने जा रहे हैं,
कितनी सीटों पे लड़े हैं देश भर में? हम लड़े लोकसभा की जितनी सीट, हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट, 80 हम लड़ेंगे। तो 80 पे मान लीजिए 80 में 80 जीत गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगी मायावती जी? जीतेंगे कि लोगों को समर्थन हमको देना पड़ेगा। और जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार, अगर ईवीएम ये लोग हटा दें तो इनकी क्षमता समझ में आ जाएगी। ईवीएम का विरोध अगर ये लोग, मायावती जी खुश हो रही होंगी अभी आपको सुनकर। चलिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा आप लोगों को क्या लगता है? जरा क्विक सर्वे में कर लूं, उसके बाद बातचीत करेंगे। यहाँ से बोलिए, खड़े होके बोलिए। मोदी मोदी मोदी, जो लोग ईवीएम का रोना हटा रहे हैं, पहले वो अपने आप से एंड्रॉइड फोन हटा के कीपैड यूज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये लोग रोएंगे। बोलिए, जिसको भी अपनी बात कहनी हो खड़े हो जाइए अपनी जगह ताकि मैं आ सकूं। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? किसानों की बात कर रहे हैं। 1998 में किसान जो है एक बार आंदोलन किए थे, 300 गोलियां चली थी, 30 किसान मर गए थे उस समय, पूरा आंदोलन खत्म हो गया। और ये किसानों की बात कर रहे हैं। ये क्या लेकर आई हैं आप, क्या लिखा है इसमें? एक मिनट पढ़ने दीजिए मुझे। एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो पदयात्रा, पेंशन हक है लेकर रहेंगे, अटेवा आजमगढ़। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ, है मांग हमारी वही पुरानी बात अपनी दोहराती हूँ, पेंशन की मैं हकदारी हूँ, ओपीएस लेने आई हूँ। ओपीएस की बात कर रही हैं आप, ओल्ड पेंशन स्कीम? ओल्ड पेंशन स्कीम, आप बताइए, कर्मचारी 60-62 साल तक की पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में बिताता है और बुढ़ापे में उसको क्या मिलेगा? तो हम अपनी बात यही दोहराते हैं। आप सभी लगता है इसी मांग के समर्थन में यहाँ पे आए हैं, ओपीएस वाले ही हैं? अच्छा, आप हमारी बात सुनिए, चाहे हम इनके समर्थन में, आप ये मानिए कि हमारा ये कागज है और ये हमारे दिल की आवाज है, हमारे वोट से जनता चुनती है इनको। तो मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, चूंकि एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लग रहा है इस बार चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ओपीएस वाला जो मामला है, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है बताइए? देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारी चीजें परिवर्तित करके कर्मचारियों के हित में किया गया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और बसपा से जुड़े हुए लोग हैं वो बरगला करके हमारे लोगों को, कर्मचारियों को भड़का रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ठीक से जानकारी तक उनको नहीं पहुंचा रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित के लिए सरकार लगातार कार्य करती रही है, करती रहेगी। उनके लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं लागू किया, उनके लिए स्वास्थ्य लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे कि नहीं, उनका ये सवाल है। फिलहाल न्यू पेंशन स्कीम के साथ सरकार खड़ी है, न्यू पेंशन स्कीम के साथ पुरजोर। फिलहाल आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट शांत रहिए। अरे ठीक है, शिक्षा विभाग के जो है कि लिपिक पकड़ा है, जो है कि 1,00,000 रुपए घूस लेते हुए, और आप शिक्षा की बात करते हैं। एक मिनट आइए, बोलिए अपनी बात। सर कह रहे हैं कि एनपीएस के बारे में जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं एनपीएस के बारे में, आपको पता है एनपीएस क्या है? हम लोग नेतागिरी में है, हम लोग को पता है कर्मचारियों का दर्द। जिस ऑफिस में जो कुर्सी पे जाइए, कुर्सी पे अधिकारी मिलते नहीं है, उनको इसकी पेंशन चाहिए। कुर्सी पे अधिकारी क्यों नहीं मिलते हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि नई पेंशन समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि बात यह है कि सरकार जो नेता है, मंत्री है, वो पुरानी पेंशन, अगर 10 बार विधायक हो जाते हैं तो पुरानी पेंशन लेते हैं, क्यों नहीं नई पेंशन ले लेते? ये नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ घुसखोरी हो रही है, अधिकारी कुर्सी पे नहीं मिलते हैं, शासन सत्ता इनकी है और अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये घुसखोरी क्यों हो रही है, ये सरकार किसकी है? सर कह रहे हैं कि एनपीएस जानते नहीं है, पेंशन की बात कर रहे हैं, अगर पुरानी पेंशन हमें नहीं मिल रही है तो नेताओं को क्यों मिल रही है, उनकी भी पुरानी पेंशन बंद की जाए। नेताओं को फायदा क्यों मिले, जनता को नहीं? तो ऐसा है कि अभी जो ये लीडर बोले हैं कि नई पेंशन के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, रिटायर हो गया हूं, हमसे आप अधिक नहीं जानते हैं। नई पेंशन में जब हमारे शिक्षक रिटायर होंगे 3,000-4,000 पेंशन पाएंगे, अगर हमको पेंशन नहीं देना है तो सारे एमपी एमएलए सबकी पेंशन बंद करिए। सारे एमपी एमएलए की पेंशन बंद होनी चाहिए, अगर आम लोगों को पेंशन ना मिले तो सारे एमपी एमएलए की पेंशन। पर्चा लीक का मामला, पुलिस का पर्चा लीक का मामला, आरओ का जो हुआ है, सरकार क्या इसको रद्द करेगी? नहीं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले एबीपी न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का मैं सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ, और मैं सरकारी कर्मचारियों से एक निवेदन कर रहा हूं कि इनको वेतन चाहिए 8वां वेतन आयोग, और आटा और आलू 10 रुपया किलो चाहिए,
इनको नई पेंशन आए जो योजना हमारे जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया है, उनको पहले कर्मचारी लोग अपने हित में समझें। क्या यह लोग तब भी 70-80 हजार और 1 लाख तनख्वाह पाते थे? हमारी सरकार ने इनके पेंशन की सारी सुविधाएं उसी तनख्वाह में जोड़ के दे रही है, और इसको जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यह लुटेरों की सरकार नहीं है। आजमगढ़ एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। 2014 में इस भारत देश की जनता और इस उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर 2019 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। जनता को कहते हैं कि डिजिटल पे करिए, इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी सुप्रीम कोर्ट रद्द किया गोपनीय चंदा, इनका चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव लोकतंत्र की हत्या को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देखिए, ये सब लोग पेंशन किए हुए हैं, 60,000-70,000 तनख्वाह पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं 5,000-7,000 जो तनख्वाह पा रहा है उससे, सबसे पहले तो अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, 70,000 वाले मास्टर से पढ़वाएं, 10,000-5,000 वाले मास्टर से ना पढ़वाएं, उसके बाद पहले आप ईमानदार बनिए, तब कोई डिमांड कर। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, कौन कहाँ है, कौन सी पार्टी? मोदी। शिक्षक अपनी बात करता है और अपने बच्चों को स्वयं जो है कि अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता है। आप शिक्षक लोग अपनी बात, इतनी खराब स्थिति है सरकारी स्कूलों की, ये कहना चाह रहे हैं आप? स्कूलों की नहीं, इन लोगों की मानसिकता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, शिक्षकों, आप सबके बारे में नहीं बोल सकते हैं, आप सभी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। शिक्षकों की ऐसी मानसिकता है, ये शब्द गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इसमें सरकार का दोष है। जैसे मैं यूपी बोर्ड की परीक्षा चालू होने वाली है और प्राइवेट स्कूल में जो है उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, तो ड्यूटी जब बेसिक के टीचर जो है ड्यूटी करेंगे प्राइवेट स्कूल में भी बोर्ड की, उनके स्कूल का क्या होगा? पीछे चलिए। हाँ, इन लोगों को बोलने दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि पेंशन जो की वो भी अपना बंद करें, इसके बाद हमारी भी बंद कर दे, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री का चुनाव में कौन कहाँ आपको नजर आ रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है इस बार देश का? मोदी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर बोले नरेंद्र मोदी, चूंकि उनके पास एक विजन है, वो जब 2047 की बात कर रहे हैं, वो जब भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और इनको सबको बाकी लोग की और रोजगार की बात, सारी बातें कर सामूहिक विकास की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी भारत का। ठीक है, और कोई बोलना चाह रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है इस बार देश का? हाँ, ये चूंकि हम लोकसभा चुनाव पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आइए। हाँ बोलिए सर। हमारी पेंशन जो है, ये लोग बता रहे हैं कि पेंशन सरकारी कर्मचारी जो है उतना पेंशन जोड़ के पा रहे हैं, तो किसी कर्मचारी का हवेली थोड़े बनता है। ये लोग नेता लोग हैं, ये लोग समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा में कैसे पेंशन मिल जाती है इन लोगों को? इसका जवाब नेताओं से ही ले लेता हूँ मैं, नेताओं से। एक मिनट, मैं नेताओं से इस पर जवाब ले लेता हूँ। ये सुनिए, पेंशन आ रहा हूँ, पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हें नहीं दे रहे हैं तो नेता क्यों ले उसका फायदा? बीएसपी का इस पर क्या स्टैंड है? एमपी एमएलए जो उनको भी ना मिले फायदा फिर पेंशन का? बहन जी की सरकार अगर आएगी तो पुराने पेंशन बहाल कराएगी, पेंशन मिलेगी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को। आपका क्या कहना है कांग्रेस का? हम तो ये कहना चाहेंगे, अभी कह रहे थे कि सरकारी दफ्तरों में सीटें खाली रहती हैं, अधिकारी नहीं मिलते, कर्मचारी नहीं मिलते। मैं भाजपा के अपने साथी से पूछना चाहूँगा, जब इनकी केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, अगर कुर्सियाँ खाली हैं ऑफिस में तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है अगर कुर्सियाँ खाली है तो? निश्चित रूप से सरकार ने, मैं उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात करूंगा, देश के निश्चित रूप से सबसे ज्यादा वैकेंसी, 5 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकालने का काम अगर किसी ने किया तो आपके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। आज अगर उत्तर प्रदेश में विकास की हम चर्चा कर रहे हैं और आजमगढ़ में चर्चा कर रहे हैं अगर कौन बनेगा प्रधानमंत्री में, तो आज हमारे यहाँ आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया। 45 साल से यहाँ की मांग थी कि यहाँ पर विश्वविद्यालय बने, यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया हमारी सरकार ने। अटल आवासीय विद्यालय, एयरपोर्ट का दर्जा देने का काम किया सरकार ने। 25 करोड़ बहनों का खाता खोल करके उनको समूहों से जोड़कर उनको रोजगार दिया सरकार ने। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? अपनी अपनी बात रखिए, नारे मत लगाइए। पेपर लीक हो रहा है, मुझे क्यों लीक हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, मुझे क्यों लीक हुआ है?
हक्का मुक्की मत करो, हक्का मुक्की नहीं यार, पेपर लीक हो आराम, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, भाजपा सरकार में पेपर लीक हुआ है, भाजपा सरकार, पेपर लीक सरकार, पेपर लीक सरकार, यही यही लोग हैं 5:15 नौकरी छोड़ के चले आए। और जहां तक कैमरे से दिखने दीजिए, और जहां तक इसकी बात कर रहे हैं, ये केवल विपक्ष की भूमिका है आजमगढ़ के विकास से ध्यान भटकाने की। आज जो यहां चुनाव हो रहा है, यहां कौन बनेगा प्रधानमंत्री डिबेट है, न कि काम के पे डिबेट है। इसके बावजूद काम पे देखिए, ऐसा नहीं होता है कि काम पे डिबेट ना हो। अगर चुनाव होगा तो चुनाव का एक बड़ा आधार काम होता है। विकास की बात आप लोग करते हैं ना, विकास की बात करिए। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दिया जो आज तक नहीं थी, आजमगढ़ में हॉस्पिटल दिया जो आज तक नहीं था, जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया, ये कह रहे हैं। मैं कर्मचारी हूँ, जो कर्मचारी हित पुरानी पेंशन बहाल करेगा अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा, जो कर्मचारी हित की बात करेगा अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा। ओ हेलो, 12 बजे आना है, पेंशन का बात करना है, पढ़ाना कुछ नहीं है, बच्चे घूमते रहते हैं बाहर स्कूल में, ये लोग कुर्सी तोड़ते रहते हैं। पार्टी के समर्थक है आप, किस पार्टी के लोग दीजिएगा इसमें अपनी पार्टी को आप, अगर सबके बारे में ऐसे बोलिएगा शिक्षकों के बारे में, हम लोग देखते हैं। गलत बात है, इस तरह से किसी बारे में बोलना चाहिए। पूरी सवाल है किसी के मन में, कोई पूछिए भाई साहब बताएगा। अब साफ साफ बात सुनिए, ये लोग एक पत्रक लेके खड़े हैं, इनका सम्मान है, ये अपनी बात उठाएं, बहुत अच्छा सम्मान है। इतने देर के डिबेट में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि विपक्ष मतलब शून्य। आजमगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से प्रचंड पे है, एक मुद्दा जो ये उठा रहे हैं इस पे भी चर्चा पे है, सरकार इस पे चिंता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। विपक्ष के नाम पे जीरो, विकास के नाम पे विश्वविद्यालय दिया आजमगढ़ जनपद में, हमने इतना कार्य किया। बोलो बोलो, अपनी बात रखो, आ जाओ, क्या कहना चाह रहे थे, क्या मुद्दा क्या है ये बताइए। मेरा भाजपा प्रवक्ता से ये जो है ये मेरा सवाल है, अगर ये भाई नौजवान है पढ़े लिखे भी, अगर ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाले और रडार जैसे और नाले से गैस बना के खाना बनाने वाले सवाल से अगर ये वाकिफ नहीं रखते होंगे तो हमारे सवाल का ये जवाब देंगे। जो इलेक्ट्रोनल बांड का जो मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो असंवैधानिक करार दिया है, उस पर ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो चंदा चोरी का मामला है, 1300 करोड़ का जो वसूली हुई है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। और कोई सवाल पूछना किसी को, और कोई सवाल है, सवाल पूछिए। हाँ हो गया, आपने बहुत बोल दिया भाई, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल क्या है, सवाल कुछ पूछना चाहते हैं किसी से आप लोग। सवाल क्या पूछेंगे, क्या कहना चाहते हैं, बोल। ये आजमगढ़ है यादव, आजमगढ़ जो है गढ़ है, समाजवादी गढ़ है, रहा है, रहेगा। बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी जीत नहीं गई, जिता दिया गया था। हाँ नहीं 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 यार, पहले प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ का हिसाब बताएं इलेक्ट्रोनल बांड वाला। बीजेपी यहाँ से अगली बार उपचुनाव जीती नहीं, प्रशासनिक तरीके से उनको जिता दिया गया था। इस बार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ना मोदी है, ना खाई है, ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार बोल रही है। तालबान गोपनीय चंदा जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, 6,500 करोड़ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खाते में गया, और इसके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यह महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, शिक्षा, यह प्रधानमंत्री बनने आए मोदी जी। और कुछ कहना है, कुछ और सवाल, कोई और सवाल किसी के पास? हाँ बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं? हट जाओ यार, कैमरे के आगे हटो आप लोग। पूरे भारत में पुरानी पेंशन चाहिए, अगर पुरानी पेंशन नहीं देते हैं तो इनकी सरकार नहीं बनेगी, किसी कीमत पे नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी सभी एमपी एमएलओं की ये पुरानी पेंशन खत्म कर दें, इनके अंदर दमों का भी पेंशन खत्म होना चाहिए। हाँ, इधर कोई सवाल पूछना चाह रहा है, किसी के पास कोई सवाल हो नेताजी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ भाई, जब ये रोजगार की बात करते हैं तो 92% लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, 98% जो बेरोजगार हैं जिन्हों जो प्राइवेट सेक्टर में, उनकी बात तो कोई नहीं कर रहा है क्या? 2% ही पूरे देश में रह रहे हैं क्या? ठीक है और बोलिए। हाँ आप घूम के आजमगढ़ में केवल ये बता दे, 10 साल इनके सांसद रहे, 1.5 साल हमारे सांसद रहे, ये 10 साल की तुलना में 1.5 साल के काम को तुलना कर ले, जहाँ चाहे वहाँ जीते। अच्छा ये बताइए मुझे, आजमगढ़ में काम हुआ है कि नहीं हुआ, विकास हुआ है कि नहीं, जरा हाथ उठा के बताइए। जिन लोगों को लगता है विकास हुआ है जरा हाथ उठाइए। सुजीत जी दिखाइए जरा, आजमगढ़ में काम हुआ है कि नहीं हुआ है?
जितने लोगों को लगता है काम हुआ है जरा हाथ उठाइए। क्या कर अखिलेश जी, देखिए देखिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग अपने एजेंडे में शामिल किए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लाएंगे। और दूसरी बात इस योगी सरकार को पेपर लीक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिलना चाहिए। देखिए आजमगढ़ के विकास की बात करूं क्योंकि आजमगढ़ में आप आए हैं। ये जो सड़क आपके सामने से जा रही है वो 40 साल से नहीं बनी थी, हमारा एमपी बना निरहुआ दिनेश लाल यादव। ये सड़क आप देख सकते हैं, इतनी फर्स्ट क्लास बनी यहाँ से लेकर हरकचुंगी तक। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में एयरपोर्ट का दर्जा, बीजेपी के शासन में सब हुआ। हमारा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में कितने वाइस चांसलर ओबीसी हैं, एससी हैं? और कोई सवाल? सवाल किसको पूछना है? जल्दी इधर आ जाइए, सवाल पूछिए। आइए इधर आइए, आओ तो सही। हाँ बोलिए बोलिए। देश में जो एक स्लोगन चल रहा है मोदी की गारंटी, हम भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं ये जो किसान धरना दे रहे हैं उनकी उनको कब गारंटी देंगे? ये किसानों को कब गारंटी देंगे? हाँ मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से, जो भाजपा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रही थी वो आजमगढ़ के लिए विकास साबित होता कि विनाश साबित होता, ये बता दें। अच्छा तो क्या उसमें दिक्कत क्या गई? ये लोग धरना दिए थे जिसकी वजह से वो रुक गया। किसने धरना दिया वालों ने? क्यों धरना दिया था आप लोगों ने बताइए? अभी हाल ही में इनके सांसद जी का बयान आया इनके सर उनके तरफ से कि बहुत जल्द जो है उड़ान जो है शुरू होने जानी है डोमेस्टिक। वो कब शुरू कर रहे हैं डोमेस्टिक तो शुरू कर दें। ये दो सारने वाली जो बात है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना। हाँ देखिए ऐसा है, इनको जानकारी नहीं है। अभी सरकार का जो योजना है, हमारे जो वहाँ पे किसान मजदूर हैं उनकी जमीनों का मुआवजा आप खा जाएंगे तो विरोध नहीं करेंगे वो? आपने सुना होगा, सबसे देखिए आपने सुना होगा किसी चोर को कोतवाल पकड़ के कोतवाली में रंगे हाथ पकड़ता तो बैठाता है। यहाँ पे मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तो रंगे हाथ पकड़ा ईवीएम का, वहाँ पे वोट खराब करते हुए, वोट की चोरी करते हुए, और दूसरा रंगे हाथ पकड़ा इलेक्टोरल बांड के चोरी करते हुए। जब ये मोदी सरकार चोरी कर रही है खुलेआम, रंगे हाथ पकड़ी जा रही है, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं सीधे बात पे आता हूँ, मोदी की गारंटी। और जो मोदी जी गारंटी देते हैं कि बहनों के लिए शौचालय बनाएंगे, तो 12 करोड़ शौचालय बनाए तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी ने गारंटी दिया कि अयोध्या मंदिर वहीं बनेगा, बनकर के तैयार हो गया। मोदी ने कहा करतारपुर कॉरिडोर खोल देंगे, मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, मोदी ने 370 धारा। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दर्शकों को सीधे लिए चलता हूं। आदरणीय अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहाँ मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस संविधान, इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर, आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आने आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से
यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूँगा और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी का कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही सौजन्यता से सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई काफ़ी गहन चर्चाएं जो हुई उसके बाद ये निर्णय लिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देके उनकी शिकस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी से कि वे कृपा करके एक मिनट इसके बाद कर देते हैं आखिर में कर देते हैं इसके बाद में दोनों हमारे सम्माननीय अध्यक्ष बोल लें और उसके बाद में पत्रकार मित्रों तो अभी की यह बड़ी खबर 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर यह ऐलान किया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी वो आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्या यह जो गठबंधन है ये बीजेपी को शिकस्त दे पाएगी? विपक्ष में यूपी के अंदर सबसे बड़ा गठबंधन सपा बसपा गठबंधन था, उससे बड़ा गठबंधन यूपी में नहीं हो सकता और उसको हम ध्वस्त करके 65 सीट जीते थे। एसपी बीएसपी साथ आई तब भी कुछ नहीं हो पाया था। गठबंधन की छत बनाते बनाते अंतिम पावदान पे आके ये दो पार्टियां गठबंधन कर पाई है, वो भी जानती है कि इसका कोई असर नहीं होगा, वो 17 वो जानती है कि हम जीत नहीं पाएंगे और ये 63 में कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपनी बात जिसको रखनी हो खड़े हो जाइए ताकि मैं समझ सकूं किसके पास आना है। हाँ बोलिए बोलिए कुछ कहना चाह रहे थे। इस बार बीजेपी की आजमगढ़ में जमानत जब्त हो जाएगी। जो गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वह ऐतिहासिक गठबंधन है। पहले भी तो बना था। यह मैं बता देता हूं कि यह आपने पहले शो में कहा है कि क्वेश्चन पूछिए, जो भोली भाली जनता 2014 में 500 का सिलेंडर पाती थी आज 1200 का, ये भारतीय जनता पार्टी भारत देश के जनता से व्यापार कर रही है। चीख क्यों रहे हैं आप, चीख क्यों रहे हैं? बस देखिए ऐसा है कि चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा भिखारी व्यापारी हो जाता है उस देश की जनता भिखारी हो जाती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, ये अंतिम सत्य मालूम है हिंदुस्तान का, ये होने जा रहा है। रही बात कांग्रेस और सपा के गठबंधन की, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन जो पीडीए का गठबंधन है वो गठबंधन हुआ है। जाति जन आपकी बात हो गई, समय नहीं है कोई कुछ आखिरी कमेंट कोई कुछ कहना चाहता हूँ, आखिरी कमेंट बिल्कुल छोटे में। बस मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी के बैठे हैं, मैं आजमगढ़ के विकास ही लोग करें क्या है? छोटे में बोलिए सर, समय नहीं है। के बारे में पूछना चाहता हूँ, इस पर आगे चर्चा हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दर्शकों को दिखा रहे थे, वक्त नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, 10 सेकंड में वाइंड अप करिए जल्दी से फटाफट। मोदी जी देश की आशा है और विपक्ष की हताशा है, निश्चित रूप से अब की बार 400। ठीक है।